दोस्तों आप में से काफी सारे लोग जानते ही होंगे कि रिसेंटली बीटीएस की वोकल लाइन यानी जिन, जिमिन, जंगकुक और वी ने बैनी और स्नूप डॉग के साथ एक काफी बड़ा कोलैबोरेशन अनाउंस किया था, जिसकी म्यूजिक वीडियो बैड डिसीजंस ऑलरेडी रिलीज्ड हो चुकी है। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जहां काफी सारे आर्मीज को लगा था कि इस म्यूजिक वीडियो में कुछ खास होगा, उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी तरीके से टूट चुकी हैं और दुनिया की काफी सारी आर्मीज इस सॉन्ग की म्यूजिक वीडियो से काफी डिसअपॉइंटेड हैं और उनको ये म्यूजिक वीडियो पसंद नहीं आई है। दोस्तों एक्चुअली जब ये म्यूजिक वीडियो लॉन्च नहीं हुई थी तो इसके काफी सारे ट्रेलर्स देखने को मिले थे और आर्मीज को एक्सपेक्टेड था कि इस म्यूजिक वीडियो में बीटीएस के मेंबर्स जरूर दिखाई देंगे, जिसकी वजह से वो बहुत ही एक्साइटेड थी। हालांकि दोस्तों जब म्यूजिक वीडियो फाइनली रिलीज हुई तो आर्मीज ने नोटिस करा कि पूरी म्यूजिक वीडियो में बीटीएस के मेंबर्स की एक फोटो तक भी नहीं आई है और उनकी कोई भी क्लिप नहीं दिखाई गई। यही नहीं बल्कि आर्मीज ने नोटिस करा कि पूरी म्यूजिक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बैनी और स्नूप डॉग को ही देखा गया है, जबकि गाने की लाइंस में बीटीएस के मेंबर्स की बहुत सारी लाइंस हैं और ये चीज आर्मीज को काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टिंग और डिसअपॉइंटेड लगी। दोस्तों एक्चुअली इस म्यूजिक वीडियो में बैनी ने एक आर्मी का रोल प्ले किया है जो कि बीटीएस के कॉन्सर्ट में जाने के लिए काफी एक्साइटेड है। पर दोस्तों भले ही उन्होंने आर्मीज के किरदार को निभाया है, लेकिन आर्मीज इस गाने से सेटिस्फाइड नहीं हुई, क्योंकि बहुत ही सारे आर्मीज का मानना है कि जब बीटीएस के मेंबर्स ने इस गाने में इतना ज्यादा सपोर्ट किया है तो उनकी क्लिप या फिर उनका कंट्रीब्यूशन म्यूजिक वीडियो में तो होना ही चाहिए था। ये काफी गलत बात है कि पूरी म्यूजिक वीडियो में बीटीएस के किसी मेंबर को गाते हुए तक नहीं दिखाया गया है और सिर्फ पूरी म्यूजिक वीडियो में जो भी स्टार लाइट है वो बैनी और स्नूप डॉग को दी गई है, जबकि बीटीएस के मेंबर्स को अपने अपने पार्ट में अपना कैरेक्टर तो मिलना ही चाहिए था। दोस्तों काफी सारे आर्मीज ने अपने मिक्स्ड रिएक्शन ट्विटर पर शेयर किए और कुछ आर्मीज को तो ऐसा भी लगता है कि शायद म्यूजिक वीडियो रिलीज होने से पहले बीटीएस को नहीं दिखाई गई होगी, वरना उनकी वॉइस यूज करने के बाद उनकी एक फोटो तक ना लगाना, इस पर बीटीएस के मेंबर्स अग्री नहीं कर सकते। वही काफी सारे आर्मीज इस म्यूजिक वीडियो से खुश भी हैं। उनका मानना है कि मेन सॉन्ग बैनी और स्नूप डॉग का ही था, इसीलिए बीटीएस की आवाज ही काफी है और मे बी बीटीएस ने भी म्यूजिक वीडियो को देखने के बाद इस चीज के लिए एग्री करा होगा, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि उनके एग्री किए बिना म्यूजिक वीडियो रिलीज कर दी गई हो। तो दोस्तों मुझे जरूर बताइए कि इस पूरे कन्वर्सेशन पर आपका क्या मानना है। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।